शाहीना ने डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन जो है ये इसकी प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन विंग है और बहुत काम कर रही हैं कि वो लोग जो कि अपनी ज़िंदगी व्हीलचेयर पे गुजारते हैं उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। हम जो अपनी दो टांगों पे हर वक्त चलते फिरते हैं हमें कहीं भी जाने से पहले कुछ सोचना नहीं पड़ता। ये जो व्हीलचेयर वाले हैं ये मुसलसल इस बात को मेक श्योर ख़ुद से करें जो कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एज सच इनको इतनी ज़रूर सहूलियात मैसर होनी चाहिए कि इनको खुद काम ना करना पड़े, इनके लिए ज़िंदगी में हर चीज़ करना आसान हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम शाहीना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अच्छा शाहीना, मुझे बताएं आपका जो व्हीलचेयर का सफ़र है जो काफ़ी अरसे से आपके बचपन से जो है वो चल रहा है, कितना मुश्किल ये आपके लिए सफ़र रहा है? बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 22 साल क्रॉलिंग करके लाइफ गुजारी है और उसके बाद जो है एक व्हीलचेयर का ही नहीं पता होना, फिर जब व्हीलचेयर का पता होता है हमें तो फिर लोगों के फेस करना, माशरे के लोगों को। अच्छा, आपने 22 साल क्रॉल किया है, आप व्हीलचेयर का नहीं, आपके पास व्हीलचेयर नहीं थी 22 साल तक? एक व्हीलचेयर हम लोग कितने अच्छे लगते हैं या व्हीलचेयर पर बैठ कर हम लोग कितना कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से और मेरी फैमिली इतना कोई एजुकेटेड नहीं, उनको नहीं समझ आ रही थी जब मुझे ये मसला हुआ था। मुझे पोलियो हुआ था 3 साल के एज में, तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। फिर इसी तरह ज़िंदगी के 22 साल मैंने क्रॉलिंग करके गुजारी और मेरे एक भाई कराची आए, वो सेटल हो गए यहाँ पर। तो हम लोग सर्दियों में, आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, हम सर्दियों में कराची आते थे फिर गर्मियों में चले जाते थे गिलगित। इसी तरह का ज़िंदगी थी मैंने, क्योंकि अपनी ज़िंदगी के मैंने आपको बताया कि 22 साल मैंने क्रॉलिंग की, मैंने कभी स्कूल नहीं देखा है कि स्कूल में किस तरह लोग पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, टीचर्स किस तरीके होते हैं, मुझे सब चीज़ों का आइडिया नहीं आप था। स्कूल भी नहीं गई? बिल्कुल। तो मैंने 2018 में जब मैं कराची आई थी तो मुझे डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में पता चला था कि वहाँ पे पर्सन भी डिसेबल को एम्पावर करते हैं। मुझे एक व्हीलचेयर के लिए जाना पड़ा था इत्तेफाकन, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पर कोई बच्चे को देखा था मेरी कज़न ने, तो फिर मेरे कज़न ने बोला कि मैं भी शाइना के लिए एक ऐसा व्हीलचेयर लेके जाऊंगा ताकि वो भी घर से बाहर निकले, क्योंकि मैं उस टाइम गर्मी होती थी घर, 3-3, 4-4 महीने बाद एक दफ़ा भाई के साथ गई पप्पू के घर, बस उनसे मिलके वापस आई ऐसा ही। और वो भी अगर वो ले जाए बिल्कुल, और बहुत सारी ऐसी मैंने अपनी कज़न्स की शादियाँ मिस की है कि सिर्फ इस वजह से कि लोग मुझे देख के क्या बोलेंगे, ये चीज़ की वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब सेंटर को ज्वाइन किया, जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई तो मैं बहुत हैरान हो गई कि मतलब सारे लोग व्हीलचेयर पे और इतनी अच्छे ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो लोग, वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना इंस्पायर कर रही थी। और जब मैं वापस घर पे आई, जब मैं फर्स्ट दिन गई तो फिर सर ने मुझसे यही सवाल किया कि शाइना लाइफ में कुछ करना चाहती हैं या सिर्फ एक व्हीलचेयर चाहिए आपको, तो मैंने बोला सर मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, क्योंकि आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो एजुकेशन का रेशियो बहुत ज़्यादा है, पर पर्सन विद डिसेबल वही बात है कि बदकिस्मती से नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वहाँ पे भी वैसे स्कूल का इशू जैसे बाकी हमारे पास जो भी बच्चे आए थे बता रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि इशूज़ ये हैं कि वहाँ पे एक्सेस ही नहीं है, क्योंकि कराची जैसे शहर में आपको एक्सेस नहीं मिलेगी किसी मॉल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इस तरह की चीज़ों में कोई पर्सन विद डिसेबल जा ही नहीं सकते, तो फिर वहाँ तो बहुत है, वो एक पहाड़ी इलाका में कैसे जाकर पढ़ती, और फैमिली भी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती कि एक लड़की होना फिर उसके साथ डिसेबिलिटी भी होती है, डबल हो जाती है, उसको घर से निकाल ही नहीं सकते वो लोग। तो इस तरह का सिचुएशन था जब मैंने डिसेबल वेलफेयर को ज्वाइन किया था। तो वापस अपने घर जाके मैंने अपने भाई से बोला कि भाई मुझे एक दफ़ा मतलब जाना है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मेरे भाई ने मना कर दिया था साहब कि नहीं मैं तुम्हें घर से कैसे बाहर निकालूंगा, लोग क्या बोलेंगे, फैमिली क्या सोचेगी। तो इस तरह की चीज़ों को फेस करना की वजह से बिल्कुल परेशान हो, लेकिन मैंने अपने भाई को इस चीज़ के लिए तकरीबन 2.5 साल मैंने इस चीज़ से फाइट कर ली, लेकिन उसने बोला चलो ठीक है तुम जाके देख लेना, अगर तुम्हें सही लगा तो मुझे कोई इशू नहीं है। अगले दिन मैं गई तो मतलब जो मुझसे भी ज़्यादा सीवियर थे, जो खुद से पानी नहीं पी सकते थे, खुद से खाना नहीं खा सकते थे, वो लोग व्हीलचेयर पे एक अच्छी लाइफ गुजार रहे थे, तो फिर मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। फिर मैंने बोला कि नहीं शाइना आप ज़िंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2018 में ज्वाइन किया था, 2.5 साल मैंने वहीं उसी इदारे से जो है बेसिक एजुकेशन ले ली, उसके बाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने मैट्रिक कर लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में एज ए वुमेन कोऑर्डिनेटर, अपनी खिदमत को अंजाम दे रही हूँ। और अभी आपको पिछले साल एक बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला, उसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी उस चीज़ों को पिक किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वही शाइना हूँ जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ इस टाइम, क्योंकि एक टाइम पर यह होता है कि एक लड़की होना और बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रही होती है, और उन चीज़ों को फेस करते हुए मैं कभी भी जाकर अपनी चीज़ों को घर में शेयर नहीं करती थी। मैं हमेशा पॉजिटिव बातें बताती थी कि आज मैंने ये सीखा, आज मैंने कंप्यूटर सीखा, आज मैंने गाना गाया, इस तरह की मतलब अच्छी चीज़ें बताया करती थी। अगर मुझे डर था, खौफ था कि कहीं फिर से मुझे ये लोग घर में ना बिठा दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जहाँ तक आपने अवार्ड की बात की, तो मुझे हैंडी रिस्काडी का एक अवार्ड मिला है 2022 में,
जो वुमेन एम्पावरमेंट में मिला है पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में और गिलगित बल्तिस्तान में, मैंने पर्सन विद डिसेबल वुमेन्स के लिए मैंने काफ़ी काम किया है। शाहिना इतनी बाहिम्मत और शाहिना ने लोगों को इतनी हिम्मत दी, लेकिन बहुत सारी जगहों पे अपनी भी हिम्मत टूटती होगी। स्पेसिफिकली मैं लोगों को देखती हूँ वो लोग, क्योंकि हमारे यहाँ ना व्हील चेयर फ्रेंडली जगह नहीं है, रैम्प नहीं बनाए गए, व्हील चेयर पर चले जो बंदों को अगर देखते हैं वो भी कहीं जाएँ और वहाँ पर सीढ़ियाँ हों तो उस पर चार बंदे जब उनको सीढ़ियाँ चढ़वा देते हैं तो वो तो चले फिर आदमी थे ना, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर खातून हो व्हीलचेयर पे फिर वहाँ पे गैर मर्द आके जब उनको सीढ़ियाँ चढ़ाएं तो वो कितना तकलीफ दे होता होगा, अनकंफर्टेबल होते हैं कि मतलब कोई ऐसा बेड टच ना हो, बहुत हाँ। सारी सारे ख्याल होते हैं। वो जहाँ तक आपने एक्सेस की बात की तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई ऐसा मॉल नहीं है एक्सेस जो हम अपनी मर्ज़ी से जाके शॉपिंग कर सकें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत ही यूनिक और खूबसूरत बनाया है, पर यह है कि हमारे जो मुआशरे है ना उसके जो सिस्टम है उसमें डिसेबिलिटी है। मुझे आज तक नहीं नज़र आ रही कि मेरे अंदर कोई डिसेबिलिटी है, क्योंकि जब मैं अपने सेंटर में जाती हूँ डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में, मुझे कहीं से नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई डिसेबिलिटी है, क्योंकि सारी चीज़ें मेरी व्हीलचेयर के हिसाब से बनी हुई होती है। मैं कुकिंग भी करती हूँ वहाँ पर, मैं स्टिचिंग भी कर रही होती हूँ, मैं पढ़ भी लेती हूँ, मैं सारे काम खुद से कर रही होती हूँ। जैसे ही मैं अपने घर पर जाती हूँ फिर मुझे फील होता है कि यार सच में मैं डिसेबल हूँ, उस टाइम मुझे एहसास होता है, क्योंकि मैं अपने इदारे में जब जाती हूँ तो मुझे मेरी सारी चीज़ें तो मेरे हिसाब की बनी हुई, मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि मेरी कोई डिसेबिलिटी है। जैसे हम लोग कोई शॉपिंग वगैरह, अब दो दिन एक हफ्ते पहले की मैंने अभी बात बताई आपको कि मैं साइमा मॉल गई थी तो मुझे चार लोग उठा के लेके जा रहे हैं, चार लोग मुझे उठा के मतलब नीचे कर रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे रही थी कि मतलब हमारे लिए एक रैंप क्यों नहीं बनाई गई। इन्होंने कैसी बात उस वक्त बोली जो मैं तो नहीं बोलती, लेकिन मैं चाहूँगी एटलीस्ट आप इसलिए ज़रूर बयान करें ताकि लोगों को पता चल सके, शायद लोगों के और उनको पता चले स्टेट को भी कि आपने चीज़ें प्रोवाइड करनी है इनको। बिल्कुल, मुझे जब चार लोग नीचे उतार के लेकर आ गए तो मुझे अपने मेरे साथ मेरी अटेंडेंट भी थी, मैं तो मैंने उसको बोला यार मुझे ऐसा लगा आज फील हुआ कि मेरे ना बिल्कुल जनाजा नीचे उतारा इन्होंने, मतलब इस तरह की फीलिंग्स आ रही है मुझे कि सब लोग अपने काम खुद से कर रहे हैं और मुझे चार लोग नीचे उतार रहे हैं, तो ये चीज़ बड़ी तकलीफदा होती है, क्योंकि हमारे लिए रैंप्स नहीं होते हैं स्पेशली हमारा गवर्नमेंट, ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, हमारा जो है हम सबका काम है जो बिल्डिंग्स बनाते हैं स्पेशली, उनको ये ख्याल आना चाहिए कि ये लोग एक रैंप क्यों नहीं बनाते भाई, एक नॉन डिसेबल के लिए आप जो है यहाँ पे एक रैम्प बनाने में कितना जगह लगती है, तो आप आराम से इतनी रैम्प बना सकते हैं आराम से, जहाँ पे आपने स्टेयर्स बनाई है तो वहाँ पे आपको रैम्प भी बनाना चाहिए। अच्छा, एक जिंदगी का एक हिस्सा ऐसा आता है कि हर कोई ये रैम्प यूज करेगा, हर कोई एलिवेटर यूज करेगा, ये नहीं कि सिर्फ पर्सन विद डिसेबल, आप मतलब एज ज्यादा बड़े होते हैं तो वो भी तो नहीं चल सकते ना, वो भी तो व्हील चेयर पे आते हैं, वो भी तो मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने में उनको भी तो दुश्वारी आती है, तो ये चीज सोच मतलब रखनी चाहिए सारी। अच्छा, कितना आपको लगता है कि हमारी औरतों को और एम्पावर करने की जरूरत है अपने आप वेलफेयर में, और कितनी खवातीन को देखते हैं जो कि व्हील चेयर पर मौजूद है? हम मेरे इदारे में तो तकरीबन 150 से ज़्यादा लड़कियां आती हैं ऐसी, और स्पेशली मैं कहूँगी कि इसमें बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कोई डिसेबिलिटी का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है। ये हम लोग अब आपस में एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं कि देखो आज मैं व्हीलचेयर पर बैठ के मैं ऐसे तैयार हो गई, आज मैं व्हीलचेयर से ज़मीन से ना व्हीलचेयर पर इस तरह बैठ गई, ये सारी चीज़ें हम लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे इदारे में एक सेपरेट रूम बना हुआ है जो वुमेंस के लिए स्पेशली, हम लोग उसमें बैठ के सारे दिन के एक्टिविटीज़ एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि आज मैंने ऐसा कर लिया, आज तुम्हें ऐसे तैयार होना, मैं व्हील चेयर पर ऐसी शिफ्ट हो गई, मैंने इस तरह अपनी व्हील चेयर को चलाया, क्योंकि जब मुझे व्हील चेयर मिली थी तो मैं एक साल तक व्हील चेयर नहीं चला पा रही थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं व्हील चेयर विनर हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है। कितने साल से व्हील चेयर पे हैं? मैं 4 साल से। 4 साल से और अब व्हील चेयर बने भी, मतलब आप ये देखें कि इतनी जल्दी आपने इसको कोप वगैरह भी कर लिया और बड़े ज़बरदस्त तरीके से। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अल्लाह ताला के बनाए हुए किसी भी इंसान में कोई डिसेबिलिटी नहीं है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत ही खूबसूरत और यूनिक बनाया है, तो हमारा जो मुआशरे का सिस्टम है इसको ठीक करना स्टार्ट कर लें, क्योंकि इंसानों को ठीक करना छोड़ दें आप। आप क्या नवीद, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हर चीज़ से आप पॉजिटिव चीज़ निकालें, को मतलब ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें और लोगों की परवाह ऐसा ना करें। मेरे मतलब मैं तो नहीं करता कि लोग देख रहे होते हैं तो मैं उसको भी नेगेटिव वे में नहीं लेके जाता, पॉजिटिव वे में लेके जाता हूँ और हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही हल निकाल लेता हूँ। तो हर चीज़ का खुद हल निकालें और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव देखें, और एज ए सोसाइटी भी हमें चाहिए कि हम थोड़ा ख्याल करें एक दूसरे का, क्योंकि सिर्फ ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये और बिजनेसमैन का भी काम जी, है जी बिल्कुल, मतलब गवर्नमेंट तो आके हमारे एटीट्यूड चेंज भी कर सकती है ना, तो ये हमने अपने दिल में एम्पथाइज कैसे करना है ये डालना है।